ये कहानी है इंसान, प्रकृति और पशुओं के बीच के गहरे संबंध की। कहानी है प्रेम की, जिसकी कोई भाषा तो नहीं है, लेकिन भाव बहुत गहरे हैं और साथ ही अपने देश की मिट्टी से लगाव की। दुर्गा, राधे, लक्ष्मण, गंगा, गीता, गौरी, शंभो, दुर्गा, लक्ष्मण, तारा, अरे गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। 10 साल अमेरिका में रहने के बाद जब वेणुगोपाल ने भारत आने का विचार किया तो उन्हें भी ये पता नहीं था कि भारत में आने के बाद उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने आह्वान किया और आपने देखा, आह्वान करते ही शंभू भी आ गए, गौरी भी आई, दुर्गा भी आई, लक्ष्मण भी आए, गंगा भी आई, गीता भी आई। और जब उन्होंने इस धरती माता का आह्वान किया तो उसने भी जो कुछ वो दे सकती थी दिया। आज इस धरती पर उनके लगाए हुए 15,000 पेड़ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और फलदार हैं। दुर्गा, दुर्गा। अपने खेत से जब वेणुगोपाल अपनी गायों को आवाज देते हैं तो वो दौड़ी चली आती हैं। मानो वो बस इसी इंतजार में थीं। वेणुगोपाल और उनकी पत्नी अपने खेत को भी देखकर आनंद से भर जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। फार्मेसी और जेनेटिक्स में मास्टर्स माधवी और मैकेनिकल इंजीनियर वेणुगोपाल मूलतः हैदराबाद के रहने वाले हैं। साल 2003 से पहले ये कपल नौकरी के सिलसिले में बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और फिर अमेरिका में रहा। जब बच्चे बड़े होने लगे तो इन्हें लगा कि अगर बच्चों की परवरिश विदेश में हुई तो वो भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में उन्होंने वापस अपने मुल्क लौटने का निर्णय किया और साल 2003 में हैदराबाद आकर बस गए। हम यहाँ आने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हमारे बच्चों को हमारे कल्चर में परवरिश करने के लिए हम बहुत उत्सुक थे और हमार को पूरा बहुत देशों में रहने के बाद हमार को पता लगा कि अपने देश का जो कल्चर है, ओके, हेरिटेज है, वो किसी देश में नहीं है। तो हम सोचे हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाना चाहिए, यहाँ अपना शिक्षा दिलाना चाहिए, हमारा कल्चर और जो भी रिलेशंस है हमारी जो फैमिलीज़ की, वो भी उनको परिचय कराना चाहिए, उसी के वास्ते हम इधर आ गए। हैदराबाद लौटने के बाद एक दिन माधवी ने अपनी सोसाइटी के बाहर प्लास्टिक की प्लेट कटोरियों का ढेर देखा, जहां कुछ गायें इसमें भोजन ढूंढ रही थी। कुछ दिन बाद पता चला कि भोजन के साथ प्लास्टिक खाने की वजह से गाय की मौत हो गई। इस घटना से दोनों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्हें प्लास्टिक की प्लेट कटोरियों का कोई इको फ्रेंडली विकल्प तलाशने का विचार आया। इस तरह 2019 में उन्होंने विस्तराको की शुरुआत की, जहां माधवी और वेणु साल, सियाली और पलाश के पत्तों से 7 तरह के इको फ्रेंडली प्लेट और कटोरी तैयार करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। तेलुगु भाषा में विस्तराको का अर्थ पत्तल होता है। इसमें टोटली 8 वेराइटीज़ है, बोल्स और प्लेट्स मिला के 16-inch प्लेट जो सबसे बड़ा प्लेट है से लेके 8-inch का प्लेट तक है, और उसमें बाद में हमारे पास 4-inch का बोल और 6-inch के बोल्स भी है। इसमें क्या होता है, ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है, ये प्लेट्स, ये पत्ते और लीफ से, पत्तों और पेपर से बनते हैं और थोड़े कभी कभी कार्डबोर्ड से बनते हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो ये फुली बायोडिग्रेडेबल है। एंड जब इसमें फूड खाना परोसा जाता है, गरम खाना, वो उसमें मिलके खाने को और बेहतर बनाता है। जैसे प्लास्टिक में जब गरम खाना डालते हैं तो वो उसका केमिकल उसमें भर जाता है, तो हम खाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, उसके वजह से काफ़ी लोगों को कैंसर भी आ रहा है। इन दोनों ने अमेरिका से लौटकर 25 एकड़ जमीन ली, यहाँ 12,000 किस्म के फलों के पेड़ लगाए।
खेत में हमारा अक्सर आना जाना रहता था। हमारे खेत पर कई पलाश के पेड़ भी हैं और एक दिन बातों बातों में मेरी माँ ने बताया कि पलाश के पत्तों से पहले पत्तल बनाए जाते थे। इसके बाद मैंने और वेणु ने पलाश के कुछ पत्ते एकत्रित कर उनसे प्लेट बनाने की कोशिश की। हमें सफलता तो मिल गई लेकिन प्लेट्स काफी छोटी थी। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने वाले वेणुगोपाल कहते हैं कि एक फेसबुक ग्रुप पर मुझे पता चला कि ओडिशा में आदिवासी समुदाय अभी भी साल और सियाली के पत्तों से तरह तरह के पत्तल बनाते हैं और वो उसको खली पत्र कहते हैं। तब समझ में आया कि इको फ्रेंडली पत्तल, डोना आदि अभी भी बनते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कम हो गया है और इसकी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक की क्रॉकरी ने ले ली है। ये छोटा सा प्लान है कि एक गांव जैसा माहौल करेंगे, उसी में लोगों को इनवाइट करेंगे, जो हमारे पहचानत के लोग हैं वो आएंगे और हमारे लाइफस्टाइल में एक दिन बिताएंगे। खाना भी हमारे मतलब जो खेत का जो हम उगाते हैं उसी का खाना, फार्म टूरिज्म की तरह, और उसमें क्लास भी हो जाएगा उनको, तो वो फिर वापस जाके वो भी उनको भी करने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वही इरादा है बस। इसके बाद गई नेचुरोपैथ से भी इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पलाश या साल के पत्तल पर खाना खाने से सिर्फ पर्यावरण की ही रक्षा नहीं होती बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर होता है। जब पत्तल पर खाना परोसा जाता है तो भोजन में एक प्राकृतिक स्वाद भरता है और इससे कीड़े मकौड़े भी दूर भागते हैं। अभी क्या हो रहा है, 50 साल तक आदमी बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, ओके, मगर उनके सेहत के बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में कोई फिक्र नहीं है उनको, मगर 50 साल के बाद वो बीमार पड़ रहा है। जो भी कमाया है पूरा वो हॉस्पिटल में वो वापस चला जा रहा है, ओके। ये पूरा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। अभी क्या हो गया, एक्चुअली दिन पे काम करना है, रात को रेस्ट करना है, मगर अभी क्या है, अब नव युवता क्या कर रहे हैं, दिन को सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं, तो पूरा नेचर को उल्टा कर रहे हैं। कभी कभी हम नेचर को अगेंस्ट जाने से बहुत ही अपने को दिक्कत आएंगे, बहुत हानिकारक है। अब वो उड़ीसा से सियाली और साल और तेलंगाना से पलाश के पत्ते मंगवाने लगे। फिलहाल उन्होंने अपने खेत पर ही इन पत्तों से लीफ प्लेट्स बनाने की यूनिट लगा डाली जहां वे पत्तल और कटोरी बनाने लगे। इन इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और प्राकृतिक प्लेट्स की मार्केटिंग वेणु और माधवी ने अपनी सोसाइटी से ही शुरू कर दी। जिस भी दोस्त रिश्तेदार ने अपने आयोजनों में इन प्लेट्स का इस्तेमाल किया, सभी ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखा और इस तरह उनके इस इनिशिएटिव को पहचान मिलना शुरू हो गई। वेणुगोपाल बताते हैं कि अब उनके प्रोडक्ट्स भारत के अतिरिक्त अमेरिका और जर्मनी तक भी जा रहे हैं। ये जो आपने काम शुरू किया है, क्या हम आपसे जान सकते हैं इसका टर्नओवर क्या है, आपकी इस छोटी सी यूनिट का, छोटे से इनिशिएटिव? अभी इस साल टर्नओवर 30 लाख का था और आगे हम सोच रहे हैं ये कमिंग ईयर हम लोग इसको डबल करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक इट 60 लाख। माधवी और वेणुगोपाल कहते हैं कि उन्होंने कभी भी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा था लेकिन जब उन्हें लगा कि वो विस्त्राकु के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें यूनिट सेटअप करने में काफी परेशानी भी आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वेणुगोपाल कहते हैं कि विस्त्राकु की शुरुआत हुए महज 2 साल ही हुए हैं, पहले साल में बमुश्किल 3 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। अभी तक 15 लाख रुपए का बिजनेस वो कर चुके हैं। पिछले महीने ही इन्हें यूएस से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है और एक कंटेनर माल इन लोगों ने यूएस भेज दिया है। माधवी और वेणु की यूनिट में गांव की ही 7 लड़कियां काम कर रही हैं। इस यूनिट में हर दिन करीब 7,000 लीफ प्लेट्स और कटोरियां बनती हैं। इसके प्रोसेस के बारे में वेणुगोपाल बताते हैं कि इसमें सबसे पहले पत्तों को फूड ग्रेड धागे से सिला जाता है और फिर उन्हें फूड ग्रेड कार्डबोर्ड के साथ मशीन के नीचे रख दिया जाता है।
मशीन का तापमान 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और इसे 15 सेकंड का प्रेशर दिया जाता है जो इन पत्तों को एक प्लेट का आकार देता है। माधवी और वेणुगोपाल का उद्देश्य है कि पत्तल पर खाने की संस्कृति को वापस लाएं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाएं। एक किसान अगर अपना जो उसकी संतान है, उसके जो बालक हैं, अगर उन्हें पढ़ा लिखा करके उसी ग्रीन इकोनॉमी में उसको अगर लगाने की कोशिश करता है तो उससे नतीजे कैसे निकलते हैं ये आपने देखा। मैं आपको अगली कहानी के लिए ले चलूंगा एक और गांव में और मिलवाऊंगा यल्ला रेड्डी से। पानी जब पाताल जा रहा था तो एक किसान ने उसे रोकने का संकल्प लिया और तरीका खोज निकाला एक साल में जंगल उगाने का। ये तरीका क्या था ये हम उसी किसान से पूछेंगे। ये किसान है यल्ला रेड्डी और मुर्री मच्छाला जो गांव है ये गांव तेलंगाना के सिद्धपेठ जिले में है और हम उनसे समझेंगे कि 5-layer farming के जरिए उन्होंने किस तरह से यहाँ के पानी को रोका, यहाँ की धरती को बचाया और यहां पर जंगल कैसे खड़ा किया। क्या आपने पाताल से पानी वापस आने की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। यह है सामा यल्ला रेड्डी। 10 साल स्पेन में रहने के बाद तेलंगाना के सिद्धपेठ में 6 एकड़ में अपनी खेती कर रहे हैं। यल्ला रेड्डी बताते हैं कि जब वो इस गांव में आए तो यहाँ पानी 200 फुट नीचे जा चुका था। खेत में काम करने वालों के लिए पीने का पानी भी नहीं था। खेत धरती बेच के गया क्योंकि 11 बोर डाले थे, 11 बोर में कुछ भी पानी नहीं था तो बहुत लॉस हो गया तो इसलिए इन्हों निकल गया। इसका मतलब यह है इधर अगल बगल में 10-15 किसान हैं, किसी के पास भी पानी नहीं थे तो फिर अगर खेत में काम करने के लिए आना है तो गाँव में जाके पानी पीना था। पीने के लिए भी पानी नहीं थे तो उतना बहुत जटिल समस्या थे तो उसको अपन ये परिष्कार लिया है। लेकिन सिर्फ 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज यहाँ पानी 60 फुट गहराई पर पहुंच चुका है। मजे की बात यह है कि ना तो यहाँ अतिरिक्त पानी की बरसात हुई, ना यहाँ कोई नहर निकाली गई, ना ही जल संरक्षण की कोई प्रणाली विकसित की गई। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो ये चमत्कार हुआ? ये कहानी हमने यल्ला रेड्डी से ही सुनी। ये पहले देखिए अपन अभी तक जो है ऊपर का जो बादल का पानी को अपन नीचे खींचने के लिए कोशिश करते थे, सारे लोग पानी बोले तो ऊपर देखते हैं। अगर पहली बार है जब सुभाष पालेकर जी का ये एक साल में जो जंगल बनाने का ये किया है तो उसमें नीचे का जो पानी है तो इकट्ठा करने का ये मौका है। ये देखिए यहाँ पे पूरा 200 फीट का ऊपर पानी रहते थे, उसका नीचे वहाँ से खींचना था तो फिर भी पानी नहीं आते थे। तो बाद में जब अभी एक साल में बना दिया तो ये जंगल बनाने के बाद 60-80 फीट में अभी पानी है, पूरा मोटर पूरा 2 इंच चलता है, 24 आवर्स पानी चलता है, उतना फर्क हो गया। यल्ला रेड्डी ने जो कुछ बताया उसके बाद हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं था। हम सिर्फ इतना ही समझ पाए कि जब 5-layer farming को लेकर जंगल बनना शुरू हुआ तो सूरज धरती के पानी को नहीं सोख पाया। दूसरी तरफ केंचुओं के साथ पनपे माइक्रोब्स असंख्य तादाद में पैदा हो गए। उन्होंने धरती में असंख्य बोर यानी छिद्र कर दिए जिनसे पानी रिचार्ज होने लगा। नतीजा ये हुआ कि धरती का घट भरता गया। कुल मिलाकर यल्ला रेड्डी ने एक ऐसे प्राकृतिक इनोवेशन पर काम किया जिसके जरिए
पाताल से भी पानी को ऊपर लाया जा सकता था। इसमें जब एक जंगल बनता है तो छाया हो गया, तो छाया के नीचे अपन गोबर नहीं तो जो जीवामृत है तो उसको ड्रिप जैसा चीज़ों को इस्तेमाल करके देते, तो उसमें जो माइक्रोब्स है राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया वो माइक्रोब को पहचानने के लिए जो एक किचो आ जाता है, एर्थवर्म आ जाता है, तो वैसा एर्थवर्म सो हजारों हजारों एर्थवर्म एक ही टाइम में दिसंबर का अंदर अंदर पूरा भर जाता है। तो वैसा अभी अपन को अब दिखता है जब बारिश का टाइम आता है पूरा पानी अंदर जाता है, केचुआ पूरा बाहर आता है, तो हजारों फ्री बोर जैसा पानी के लिए किसान ने बोर लगाता है ऐसा केचुआ बना दिया, तो उसमें हवा गया और जब बारिश आ गया बारिश का पानी गया और अगल बगल में जहाँ पे भी पानी है 50 फीट तक ये तो बोर डाल दिया केचुआ, तो वहाँ से भी पानी अपना बोर या जो वेल रहेगा उसमें पानी आ जाएगा। वैसा फ्री एंड नेचुरली ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चीज बन जाता है। रेड्डी के इन सारे प्रयासों को सिरे लगाने में सबसे बड़ी भूमिका इन गायों की रही। गायों के गोबर और गोमूत्र को वो इस गड्ढे में बहाने लगे और यहीं से कई पाइप लगाए गए जिनसे जरूरत के हिसाब से खेत के अलग अलग हिस्सों को भरने का काम शुरू हुआ। ऐसा रखते है इसमें की तो 36 फीट में एक आम का या नारियल का पौधे रखते हैं और बीच में 18 फीट में ऑरेंज का, स्वीट ऑरेंज का, आम का, अमृत का, गावा का, ऐसी कीवी जैसा फूल को रखते हैं और बीच बीच में 9 फीट और 4 फीट में नज़दीक नज़दीक में मुरिंगा का और पपीता का, बनाना का, केला का, ऐसा रखते हैं। तो एक 8 महीने में बड़ा होता है, एक 3 साल में बड़ा होता है और एक 8 साल में बड़ा होता है। तो पहला जो ऊपर आ जाता है ये बनाना और ये पपीता जैसा, ये इसको पूरा जंगल बनाते हैं। वो आने से पहले अपन क्या करते हैं, पहला मेज़ मक्का जो बोलते हैं ना और दाल तूर दाल ये पूरा लगाते हैं, तो पहला उसको निकालते हैं। किसान को 6 महीने में पैसा आ जाता, फिर 8 महीने में पैसा आ जाता, फिर 1 साल में बनाना पपीता से पैसा शुरू होता है, ऐसा हर तीन महीने में शुरू होता है। एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग ऊंचाई के पौधों को उगाना मल्टीलेयर फार्मिंग कहलाता है। मल्टीलेयर फार्मिंग ज्यादातर नकदी फसल आधारित होती है और इसमें सब्जियों और फलों का संयोजन शामिल होता है जिनको एक साथ उगाया जा सकता है। ये एक प्रकार की अंतर फसल है। मल्टीलेयर फार्मिंग एक साथ खेती करने के लिए अलग अलग ऊंचाइयों, जड़ पैटर्न और अवधि की कई फसलों का अभ्यास है। वैज्ञानिक पारिस्थितिकी और आर्थिक सिद्धांतों पर फसल विविधीकरण के अवसर, सिस्टम उत्पादकता को अधिकतम करें, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में कृषि संसाधनों और पर्यावरण की स्थिरता, मिट्टी और पानी का अच्छा उपयोग फसल के खेत पर प्रभाव को कम करती है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण को रोकती है, प्रभाविक रूप में 70% पानी की बचत होती है, प्रति इकाई क्षेत्र में आय में काफी वृद्धि होती है, फसल उपज हानि के जोखिम को कम करती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और बेहतर श्रम उपयोग पैटर्न प्रदान करती है, उच्च तीव्रता वाली वर्षा, मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसे खतरों के प्रभावों को कम करती है, लीचिंग सामग्री का प्रभावी उपयोग और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण में मदद करती है, सूक्ष्म जलवायु स्थितियां प्रदान करता है जो कि नीचे की फसलों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। इल्ला रेड्डी की पत्नी इस खेत से जुड़े बिजनेस मॉडल को संभालती हैं। वो पास ही के शहर सिद्धपेठ में आहार योग केंद्र का संचालन कर रही हैं, जिसकी अभी तक 4 शाखाएं शुरू हो चुकी हैं। इन्हें बढ़ाकर 40 तक करने का लक्ष्य है। ఇందాక మనం ఫామ్లో ఏదైతే చూసామో ప్రోడక్ట్స్ని అంటే మనం పండించిన వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు, ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, లేదంటే వేరే వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆహార యోగాలో మనం సేల్ చేస్తాము. వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసే ఐటమ్స్ని ప్రాసెసింగ్ చేసి లేదంటే అలాగే అమ్మేవి అలాగే అమ్ముతుంటాము. సో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మన దగ్గర దాదాపుగా 400 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో మనము ముఖ్యంగా బియ్యము, పప్పులు,
మిల్లెట్స్ అంటే ఒక ఇంటికి కావాల్సిన ప్రతి ఐటమ్ని ఇక్కడ సేల్ చేస్తాము. దాన్ని మనం మాత్రమే పండించినవి కాకుండా మనలాగా ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా అంటే కంప్లీట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించే ఇయ్యగలము అన్న రైతులు ఉంటారో వాళ్ళకి మనము మార్కెటింగ్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో అవే కాకుండా మన దగ్గర ఎవరైతే అంటే ప్యూర్గా న్యాచురల్గా చేస్తున్న ఐటమ్స్ లైక్ గోశాలల నుంచి కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా స్వదేశీ ఐటమ్స్ కావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళది మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే వాటికి కూడా మనం మన కేంద్రం ద్వారా మార్కెటింగ్ని అందిస్తున్నాము. సో ఉదాహరణకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లేట్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఎల్లారెడ్డి దేశీ బీజోకు బచానేకి ముహిం చలా రహే హై. इन बीजों से होने वाले उत्पादन को देखकर हम दंग थे. देसी बीजों से होने वाले उत्पादन को देख हमें ऐसा लगा कि शायद कृषि प्रधान इस देश में हरित क्रांतियां पहले भी हुई होंगी, क्योंकि उसके बिना इतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता था. सवाल ये है कि क्या हमें किसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत थी या हमें अपने बीजों को बचाए रखने की और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी. अगर आप भी प्रभावित कर रहे हैं अपनी किसी इनोवेटिव प्रयास से तो हमें जरूर बताइए. हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती.